यूपी में शुक्रवार की रात एक शिक्षा मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। देर रात हुई सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात से साक्ष्य भी जुटाए हैं। हत्या क्यों और किसने की अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। मामला यूपी के बिजनौर जिले में थाना नेहटोर के सलेमपुर गांव का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो इसी गांव में शिक्षा मित्र रानू रहता था। शुक्रवार की रात रानू दूसरे कमरे में सोया था, जबकि परिवार के अन्य लोग दूसरी जगह सोए थे। इसी दौरान रात करीब 1 बजे अज्ञात बदमाश घर में घुस गए। उन्होंने रानू को गोली मार दी, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग भी जग गए। आनन फानन परिजन रानू को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। शनिवार की सुबह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम द्वारा परिवार के सदस्यों और मृतक का फिंगरप्रिंट लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए SP धर्म सिंह मारछाल ने बताया कि पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। वहीं शिक्षा मित्र के परिजनों ने बताया कि रानू शादीशुदा था। परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। वारदात के दौरान बच्चे ननिहाल गए थे। रानू करीब 16 साल से प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत था। 2 साल पहले भी कुछ लोगों ने उस पर चाकू से हमला किया था। धर्म सिंह मार्शल, अपर निरीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर, अवगत कराना है कि कल देर रात्रि में ग्राम सलेमपुरा थाना नेटौर में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। ये सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया। घायल का नाम रानू था, जिसकी उपचार के दौरान आज मृत्यु हो गई है। डॉक्टर से बात करने पर उसके लेफ्ट साइड में पेट के पास गोली लगी है और जिसमें ब्लैकिंग भी है। मृतक के और उनके फादर के दोनों के हैंड वॉच ले लिया गया है। सस्पेक्टेड गनशॉट लग रहा है, इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। प्रत्येक बिंदु पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।